इलाके की देखभाल करते हैं और दुश्मन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये आसान काम नहीं है। दुश्मन को उसकी हरकत, फायर की आवाज और धुएं की मदद से ढूंढा जा सकता है। फायर की दिशा और दुश्मन का पता लगते ही स्काउट कमांडर को इसकी खबर देता है, जिसमें वो फायर की दिशा, लगभग दूरी का वर्णन करता है। Right now there is a drill demo going on. सेक्शन 2IC LMG और RL को डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय करते समय सेक्शन 2IC ये ध्यान में रखता है कि कवरिंग फायर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ताकि असॉल्ट ग्रुप को ऑब्जेक्टिव पर पहुंचने तक फायर से कवर दिया जा सके। सपोर्ट फायर शुरू होने पर सेक्शन कमांडर असॉल्ट ग्रुप को असॉल्ट करने का हुक्म देता है और खुद असॉल्ट को लीड करता है। सेक्शन एक्सटेंडेड लाइन में दुश्मन पर धावा बोलकर उसे नेस्तोनाबूद करता है। सेक्शन में शामिल हो जाता है। सेक्शन ऑब्जेक्टिव पर छुपे हुए और जख्मी दुश्मन को ढूंढने की कार्रवाई करता है। सेक्शन कमांडर हालात का जायजा लेते हुए सेक्शन को कंट्रोल में लेता है और अगली कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार करता है। ये लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद निश्चित रूप से आप सबके अंदर देश सेवा की भावना जागृत हुई होगी। ध्यान रहे, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के दौरान ये डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद। Ladies and gentlemen, we now present an aeromodeling display by the Air Wing of NCC, wherein aeromodels will be flown with remote control. The demonstration is being presented to you by the cadets of 1 and 2 Bengal Air Squadron, Kolkata Depot. Here, we would like to mention that it is an extremely difficult task to control an aeromodel by remote control and requires skill.